ये 8 से 10 कुंवारी कन्याएं चाहे होती हैं बापू को बुलाने के लिए, 10 लाख रुपए नकद होनी चाहिए और वो 8-10 कन्याएं उसको स्विमिंग पूल में स्नान कराएंगी। ये कब किस विषय को खड़ा करेंगे, किस पर हाय तोबा करेंगे? दीपिका पादुकोण अगर भगवा पहन लेगी तो उसके खिलाफ ये उत्थड़क हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा 2-3 मुद्दों पर। एक, आपने देखा कि दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र धारण किया तो देश में बवाल खड़ा हो रहा है कि भगवा वस्त्र दीपिका पादुकोण ने क्यों धारण किया। लेकिन वो बवाली, ये बवाल नहीं कर रहे। जब आसाराम बापू ने तो आश्रम को ही वैश्यालय बनाया, मैं वैश्यालय शब्द कह रहा हूँ। एक एक मसला मैं आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों। एक दिन दिल्ली के पीतमपुरा में आसाराम का प्रवचन चल रहा था, मैंने उसके आयोजक से पूछा क्या क्या तरीका है, तो बोला ये 8 से 10 कुंवारी कन्याएं चाहे होती हैं बापू को बुलाने के लिए, 10 लाख रुपए नकद होनी चाहिए और वो 8-10 कन्याएं उसको स्विमिंग पूल में स्नान कराएंगी। मैंने कहा कुंवारी लड़कियां क्यों, कुंवारे लड़के क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में भगवा पहनने पर दीपिका पादुकोण का विरोध करने वाले अगर सच्चे हैं तो उतरे सड़क पर। नरेंद्र मोदी ने उस पेशेवर बलात्कारी को बापू बताया है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ पादुकोण का। भगवा पहनने पर इनका एक मंत्री रहा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वाला, जिसका नंगा वीडियो आज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, संत चिन्मयानंद उसके खिलाफ सड़क पर नहीं आए। एक और पेशेवर बलात्कारी हत्यारा अभी राम रहीम पेरोल पर बाहर आया हुआ था, उसे बापू और पिताजी बताने वाले, चुनाव में ऐन चुनाव के समय बाहर निकालकर उससे आशीर्वाद पाने वालों के खिलाफ ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा, ये भगवाधारी का विरोध समर्थक और विरोध करने वाले कौन लोग हैं। और मैं दूसरे मुख्य मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में आतंकवाद और चीन इच्छाधारी नाग हो चुके हैं भाजपा आरएसएस के लिए। इच्छाधारी नाग मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब देश में केंद्र के चुनाव थे, आपको बताना चाहता हूँ, 13 फरवरी 2019 का जिक्र कर रहा हूँ। मैं भूपेंद्र रावत दावे से कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते मैं बीपी हाउस के प्रांगण में बैठ के सामने, जो आईएनएस की बिल्डिंग है उसके सामने चाय पी रहा था। एक आईबी का आला अधिकारी मास्क लगाकर मेरे पास आया और जब चर्चा हम करने लग गए तो मैंने कहा फ्रॉड भी हो सकता है भैया। हमने पहली पूछ उससे सवाल किया, मुझे बताओ कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या अगर मोदी सरकार नहीं करवाती तो इनके विधायक सांसद कितने आ रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा वही जो मैं भी कहता था, 45 से 50 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे। तो कल्पना कीजिए उन आतंकवादियों का जो नोटबंदी से खत्म हो गए थे, जो पूरे देश में दुनिया में 56 इंच की सीने वाली सरकार बन चुकी थी, उसमें वह आतंकवादी 40 जवानों की हत्या करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था हमारे देश में नोटबंदी हो गई, ताकतवर सरकार बन गई, तो वह आतंकवादी कैसे आए? और जिस दिन आतंकवादी आए उसके लिए 3 बड़ी याद आपको दिलाता हूँ। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि आतंकवादी हमला करेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की हत्या की जाएगी, मोदी सरकार ने वो रिपोर्ट खारिज की। दूसरी बात, आला अधिकारियों ने कहा था कि जवानों को जिंदा सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाज दिया जाए, मोदी सरकार ने वो मांग खारिज की। और तीसरी बात, वो आरडीएक्स कैसे पहुंचा और जवानों की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार वापसी प्रचंड बहुमत से आई, ये आपके सामने है। चीन कैसे इच्छाधारी नाग है, मैं ये बात कह रहा हूँ। 13 फरवरी 2019 को जवानों की हत्या होती है और 11 मार्च 2019 को चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, 1 महीने से पहले। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रसातल में थी। तो आईबी के अधिकारी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा, उसने कहा मरवाया है, दोबारा नहीं मरवाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? दोबारा कब मरवाया मैं बताता हूँ। बिहार के चुनाव थे और बिहार के चुनाव से पहले इनके इच्छाधारी चीन, जिस चीन के विषय में आपको मालूम होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था एक चीनी मेरे गांव में आया था, हमारे बहुत पुराने संबंध है, अब उनका चीनी है, वो चीनी की है, मुझे जानकारी नहीं है, पर
नरेंद्र मोदी डीएनए भी बता रहे थे अपना कि मेरा चीनी डीएनए है। और ठीक मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कल्पना है, मैं सवाल करता हूँ, अभी अरुणाचल में 2017 में 15 जगहों के नाम चीनी अपनी भाषा में दर्ज कर चुके हैं, उनमें रिहायशी इलाकों से लेकर नदियों तक और पहाड़ से लेकर के और तमाम जंगल भी हैं। अब आप बताइए 2017 में अपने नाम कर चुके हैं, तो ये हमला जो हुआ दोबारा, पहले पिछले वाले पर जाते हैं, 15 जून 2020 को जिस दिन हमारे जवानों की हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के बाद नरेंद्र मोदी को 2-3 दिन तक पता नहीं लगा कि हमारे जवानों की हत्या कर दी गई। अगर जानकारी नहीं हुई तो ऐसे नालायक को कुर्सी पर रहने का हक नहीं था, और जानकारी हो गई थी और जानबूझ करके मौन रहा तो ऐसे गद्दार को भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज अरुणाचल में 9 तारीख को फिर हमला हुआ, और अरुणाचल में कहाँ 17,000 फीट की हाइट पर हमारी भारत की पोस्ट को उखाड़ फेंकने के लिए चीनी आगे बढ़े थे। मैं बहादुर सेना को बधाई देता हूँ, हमारे जवानों ने मुकाबला किया, चीनियों को रोका, 6 जवान घायल हो गए, आज तक प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। और संसद के अंदर हमारे देश का रक्षा मंत्री कहता है हम छुट्टी पर थे, जो नालायक सरकार 18-18 घंटे काम करने का दावा करती हो, हमारे जवानों पर हमला होता हो, और फिर गोदी मीडिया क्या कह रहा है, हमने भी मारा, हमने भी घायल किया। अरे वो हमारी पोस्ट में घुसे, हम सबको कत्ल कर सकते थे, सबकी हत्या कर देते, लेकिन फिर कह रहे हैं हम कम घायल हुए, वो ज़्यादा घायल हुए। मैं इस पर चर्चा पे नहीं जा रहा हूँ, सवाल है लाल आग दिखाने का। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा था 20 जवानों की हत्या के बाद न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। यदि सच में नरेंद्र मोदी को जानकारी नहीं थी, 1 मिनट भी ऐसे नालायक को नहीं रहना था कुर्सी पर, और जानकारी थी तो देश के लोगों को पूछना चाहिए कि गद्दार तूने झूठ क्यों बोला। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, हमारे देश में 2022 चल रहा है, और रक्षा मंत्री की बात मैं कर रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह की, अमित शाह एक जगह भाषण देते हुए कहता है 2023 में इतने आतंकी हमले हुए, इतने लोग मारे गए, इतनी बार आतंकी हमला हुआ, और क्रॉस करके पूछते हैं ये 2023 है। तो दो बातें हैं, अगर 2022 को अमित शाह ये मानता है कि 2023 है तो महामूर्ख आदमी है, और अगर जानबूझ करके बोला ये षड्यंत्र है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देशवासियों को समझना चाहिए इनकी क्रोनोलॉजी को, ये कब किस विषय को खड़ा करेंगे, किस पर हाई तोबा करेंगे। दीपिका पादुकोण अगर भगवा पहन लेगी तो उसके खिलाफ ये उत्थड़क हो जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री चीन के पक्ष में जवानों की हत्या करवाकर चुप झूठ बोले, देश से गद्दारी करे, ये मौन लगा देंगे। 2022 के आतंकी हमले जो योजनाबद्ध तरीके से, मैंने कहा इनका इच्छाधारी नाग है, 25 जनवरी 2016 को देश को बिना बताए देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है, आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाता है, और जब वापस आता है तो 2 जनवरी 2017 को पठानकोट पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं, और हमले के बाद फिर उन्हीं के ISI को बुलाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों आपसे कि ये हमको आपको सोचना पड़ेगा, क्या कारण है जो आश्रमों में रंगरलियां मनाते हैं, अपने भक्तों की बेटियों के साथ में अय्याशी करते हैं, जो भक्तों की बेटियों का क्या तो शोषण करते हो, उनको ये बाबू बताते हैं, उनको ये पिता बताते हैं, और एक एक्टर कलाकार अगर भगवा पहन ले तो उसके खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं। हमारे देश में आज सवाल उठ रहा है, इस 56 इंच की सीना की सरकार में जो चीन के टुकड़ों पर पल रहे हैं देश के गद्दार, वो नेहरू जी पर सवाल उठा रहे हैं नेहरू की गलती के कारण आज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेहरू जी ने इतनी बड़ी गलती की होगी, मैं कभी नहीं मान सकता हूँ, नेहरू देश और दुनिया में देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, सेना के खिलाफ। तब मैं कहना चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ने का, अगर वो होते तो किसी भी कीमत में नहीं बढ़ने देते। मेरे को दुख इस बात का है, हमारे देश में इनकी इच्छा के मुताबिक कब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की हत्या करवाते हैं, और जब बिहार के चुनाव होते हैं तो बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवा देते हैं, और अब जब राहुल गांधी का 9 तारीख का आप देखिए 9 तारीख को पूरा शेड्यूल तय होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें महिलाओं की भागीदारियां होंगी,
और ठीक आपको बताता हूं, इनका इच्छाधारी चीन हमला करके मुख्य एजेंडे से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करता है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ये चीनी हमला भी अरुणाचल में जानबूझ करके, जो बेतहाशा मैं कहता हूं करोड़ों की संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हुजूम जुड़ रहा है देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी में, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और ये चीन के साथ मिली भगत के साथ हो रहा है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप मुझे बता दें 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाई हो तो बता दो। हमारे देश का पहला CDS है जिसने एक बार कहा, बिपिन रावत ने कहा चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और चीन हमारा दुश्मन बताने के बाद बिपिन रावत का हश्र, मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, वो कौन देश के गद्दार है जिन्होंने चीन के साथ मिल करके हमारे देश में पहले CDS की हत्या करवाई। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर पर चल रहे थे CDS बिपिन रावत, लेकिन बिपिन रावत मारा जाता है। और उसके अलावा आज तक गलवान के हमले से लेकर अब तक हमारे देश में आयात बढ़ा है। अगर देश के साथ वफादारी है तो दुश्मन देश से आयात क्यों हो रहा है? तब जो आपका सवाल है बताता हूँ, हमारे देश में चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत देश के गद्दार जिसने कहा ना कोई घुसाया ना घुसाया ना हमारी सीमा पर कब्जा है, उसकी ताकत नहीं है। जो रक्षा मंत्री कह रहा है संसद के अंदर कि हम छुट्टी पर थे तो जानबूझकर छुट्टी पर गए ताकि उन्हें हमला करने का अवसर दिया जाए, हमारे देश के गृह मंत्री। और एक और है हमारे देश में जो हमारे नफरती बीच वो कहता है कि मेरे RSS के लोग 2 घंटे में तैयार होते हैं। अरे भेजो उनको सीमा पर भैया, वहाँ जरूरत है उनकी, अरुणाचल के सीमा पर जरूरत है, लद्दाख के सीमा पर जरूरत है आज की तारीख में। वो कहते हैं हमारे देश के जवान तो है 6 महीने में तैयार नहीं हो पाते, हमारे संघ के 2 दिन में तैयार होते हैं। मैं CDS ने एक गलती की, हमारे देश का आला ताकत एक ही है, उसका नाम था पहला CDS बिपिन रावत। बिपिन रावत ने कहा चीन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसा बोलने के बाद बिपिन रावत मारे गए। जिस जहाज पे मारे, हेलीकॉप्टर में मारे गए, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उच्च तकनीकी का है। समझ लो कि रूस और अमेरिका जैसे देश ताकतवर देशों के, नहीं नहीं आप पहले सुनेंगे। देखिए आप जो कह रहे हैं, जांच और सबूत कौन करेगा जब संजय भैया कोतवाल तो डर काहे का, जांच की सवाल कर रहे। अच्छा सुनिए, हमें एक मिनट, हमारे देश में जनता के फलक पर है जस्टिस लोहिया की हत्या कर दी गई, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। नहीं जांच, देखो आपका जो सवाल है, मुझे बता दीजिए क्या देश के प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ बोला गलवान हमले के बाद, हाँ या ना? चीन बोला कि नहीं बोला? रक्षा मंत्री ने बोला चीन, गृह मंत्री ने बोला चीन, मोहन भागवत ने बोला चीन, हमारे सेना के जनरल ने बोला चीन, एक शख्स ने कहा चीन दुश्मन है, वह है बिपिन रावत मारा गया। मुझे लगता है कोई दूसरा भी बोलेगा तो इसको मरवा देंगे, कि मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो फिर हमारे देश में उसके साथ DNA मैच करने की बात कौन कर रहा था? वही शख्स बोला हमारा DNA एक है, जिस शख्स ने यह कहा था कि हमारे यहाँ एक चीनी आया था कई सौ साल पहले मेरे गांव में, और फिर वो DNA मैच कराने की बात थी जब हमारे जवान मारे। अच्छा एक बात बताइए, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में सुशांत राजपूत ने उसी हमले से 2 दिन पहले आत्महत्या की थी, आत्महत्या की सूचना आते ही 1.5 सेकंड के अंदर नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट करते हुए अपना ट्वीट किया था, और हमारे देश के 20 जवानों की हत्या और 76 के घायल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसाया ना घुसाया है, अगर प्रधानमंत्री ने सच बोला है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं, और नहीं तो माफी मांगे मोदी इस देश में उन शहीदों की आत्मा से, उनके परिवारों से, जो और उन माओं उन बहनों के जिनके मांग जिनका सिंदूर मतलब समझ गए ना आप, समझ लो उन बच्चों से जो अनाथ हो गए, माफी मांगे मोदी उन 76 जवानों में से जिनमें एक और जवान की शहादत हुई 50 दिन बाद हवलदार की, उनसे माफी मांगे मोदी, देश से माफी मांगे मोदी, झूठ क्यों बोला? ये सवाल आप कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा बिपिन रावत की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बिपिन रावत ने इनके चहेते 2007 से
चीन के टुकड़ों पर पल रहा आरएसएस बीजेपी, उसने इनके चहेते को देश दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया भारत की तरफ से। ठीक है, अच्छा अभी आपने कहा कि दीपिका पादुकोण ने भगवा ड्रेस पहनी है, भैया वो अपने सीन्स देखे होंगे उस सॉन्ग में, संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं। अच्छा संस्कृति के पक्ष में है क्या? हद हो गई हद हो गई संस्कृति है कि चिन्मयानंद नंगा लेटता है, अपनी कॉलेज की छात्राओं से तेल मालिश कराता है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति यह है कि अपने ही भक्त की बेटी को शिक्षकों से बुला करके और क्या कहते हैं गुफा में ले जा करके उसके साथ में बलात्कार किया, माँ बाप बाहर पूजा कर रहे थे और वो अंदर बेटी से बलात्कार करता है, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति है कि बलात्कारी हत्यारा बाहर आ जाए पेरोल पर, ठीक चुनाव में वोट इनके पक्ष में करने के लिए उसे पिताजी बताया जाए, है उसको पिता बताने वाला, ये हमारी संस्कृति है। थूकता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जूते मारता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जहाँ संत कहलाने वाला नंगा घूमता हो, बलात्कारी को बापू बताया जाता हो और बलात्कारी हत्यारे को पेरोल पर आने पर पिताजी का आशीर्वाद दिया जाता हो। अरे कलर कौन किसके बाप का कलर है, कोई पहन सकता है बाबा, सब कलर पहन सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं।